आगामी दिनों में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले पर्वों के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। इसके लिए हर थाना क्षेत्रों में जाकर वे क्षेत्र के गणमान्य प्रतिष्ठित एवं जिम्मेदार नागरिकों के साथ एवं शांति समिति के सदस्यों से मिलकर त्योहारों को शांति पूर्वक मनाए जाने के लिए अपील भी कर रहे हैं। त्योहारों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई भी असामाजिक तत्व गलत हरकत ना करे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से त्योहारों को शांतिपूर्वक माहौल में मनाए जाने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। अर्थाना कटघर कोतवाली के पीतल बस्ती क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि आप शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाते हुए पुलिस का सहयोग करें। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो अपना बाहर रोड पर रहते हैं तो मोटरसाइकिल से घूमते हैं, पेड़ डीजे लगा के नाच करते हैं। अब पता लगा नासिर भाई को कोई काम है या सुधीर भाई को कोई काम है, अपने घर से निकला, उसे जाना कहीं रिश्तेदारी बहुत जरूरी है या उसे कहीं हॉस्पिटल में जाना है तो वो जा रहा। अब वो जब वहाँ से निकलता वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और उस पर रंग लगाने की कोशिश करते हैं, उसको बुरा लगता है और उसका बुरा लगना भी उस टाइम जाया है, क्योंकि अगर वो 10-11 बजे के आसपास घर से निकल रहा तो ये सोच कर निकल रहा है कि हाँ होली का रंग है, बाहर बच्चे भी रंग डाल लिए, आदमी रंग डाल लिए, अगर मैं जा रहा हूँ तो उस चीज को स्वीकार करने चलता है घर से कि यार रंग लग सकता है कोई बात नहीं मैं निकल रहा हूँ। लेकिन वो आदमी 2 बजे के बाद निकल रहा, उसको पता है 2 बजे तक होली का त्यौहार रंगा खराब हो चुका, मैं पिछले निकल रहा हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, उस टाइम उसके ऊपर रंग डाला जाता है तो नेचुरल है कि उसे गुस्सा आएगा और फिर उस टाइम झगड़ा होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज एक और है, हम सब लोग हैं सामान्य दिन है, आज का दिन है, क्या सभी लोग हमारे दिन दूसरे वाले? तो वहीं क्षेत्र के गणमान्य एवं जिम्मेदार नागरिकों द्वारा भी प्रशासन को पूरा भरोसा दिया गया कि वे हर संभव आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का प्रयास करेंगे, पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य एवं जिम्मेदार नागरिक उपस्थित रहे। बेसिकली देखिए कटघर क्षेत्र में जो हमारे पूरा वासी हैं, कटघर क्षेत्र के जो वासी हैं उनमें क्योंकि आने वाले त्योहारों के विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे कटघर क्षेत्र के सीओ साहब ने, एसएचओ जी और पीतल बस्ती के जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने एक यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को यहाँ पर एकत्रित किया ताकि आने वाला जो त्यौहार है, जैसे हमारा होली का त्यौहार है, तो उसको बहुत बढ़िया ढंग से मनाया जा सके, शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहे और सभी लोग आपस में एक भाईचारे का भावना स्थापित करते हुए इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाएं। अच्छा, होली वाले दिन ही तुम्हारी की जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी तो आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? देखिए सभी लोग बहुत समझदार हैं, हिंदू और मुसलमान सभी समझदार हैं। जैसा सभी से मिलते हुए हमारे एसएचओ और सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर कटघर ने सभी को अवगत भी कराया और अनुरोध भी किया है कि देखिए इंटेंशनली हमें अपने त्यौहार को मनाते हुए किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को जानबूझ करके रंग नहीं डालना है। हाँ, यदि होली खेलते हुए यदि हमारे किसी दूसरे व्यक्ति को रंग पड़ जाता है तो वो भी उसको खुशी के साथ स्वीकार करें और एकदम होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से खुशी के साथ मनाते हुए आगे बढ़ जाएं और इसी तरह से वो अपना शुक्रवार का जो उनका प्रेयर का जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रेयर करें।